स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में। आपको पता होगा स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। ये आपको कॉलेज से इजिली बन जाएगा। आप अपना एप्लीकेशन लिख करके कॉलेज को दोगे तो कॉलेज है वो एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो इस तरह का बना करके आपको दे देगा। दूसरी जो डॉक्यूमेंट है वो फी रिसिप्ट है। आपको पता होगा कि आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फी स्ट्रक्चर एक बना करके दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको फी रिसिप्ट है वो कॉलेज से बनवाना होता है। तो जो भी हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह चल रहे हैं वहाँ पे इस तरह का एक देख सकते हो फी रिसिप्ट है वो बना करके दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं वहाँ पे इस तरह का फी रिसिप्ट बना करके नहीं दिया जाता है। तो उस केस में आप जो पेमेंट करते हो कॉलेज को तो उसके बाद आपको इस तरह का पेमेंट का रिसिप्ट है वो दिया जाता है, तो आप इसे भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज ही होती है। तो अगर आपको कॉलेज ये वाली फी रिसिप्ट बना करके दे रहा है तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पेमेंट रिसिप्ट को अपलोड कर दें। तीसरी जो डॉक्यूमेंट है वो बैंक का पासबुक है। आपको बता दें बैंक का जो पासबुक है वो स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए, यानी बैंक अकाउंट है वो स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे का फैमिली के साथ ज्वाइंट अकाउंट होता है तो उस पर आपको स्कॉलरशिप के पैसे हैं वो नहीं आएंगे, आपको अपना पर्सनल अकाउंट है वो देना होता है। जो डॉक्यूमेंट है वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको एक बना करके अपलोड करना होगा। उसके बाद में एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगता है। उसके बाद एक इनकम सर्टिफिकेट है वो देना होता है। तो आपको बता दें कि कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि एक बार बन गया तो वो वैलिड होता है। लेकिन जब आप स्कॉलरशिप के पोर्टल पे जाओगे तो आपको ज़्यादा दिन का समय नहीं रहता है, तो आप लगभग 2 साल पुराने जो डॉक्यूमेंट है यानी कि 2023 में आप फॉर्म भर रहे हैं तो 2021-22 का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आप अपलोड कर सकते हो, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसे भी आप 2 साल तक का अपलोड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो आपको 1 साल के अंदर का चाहिए। और आपको बता दें कि इनकम सर्टिफिकेट है वो पूरे फैमिली का बनता है, तो आप स्टूडेंट के नाम से भी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा बोला गया कि स्टूडेंट के नाम से ही इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट स्टूडेंट के नाम से है तो आप अपने नाम वाला ही इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। यहाँ देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, उसी तरह से आप देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। 7वें नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो मार्कशीट है। अगर कोई स्टूडेंट 12th के लिए अप्लाई करेगा, 12th में पढ़ रहा है, तो वो अगर स्कॉलरशिप अप्लाई करेगा तो उसे बस 10th का मार्कशीट है वो अपलोड करना होगा। उसी तरह से कोई अगर इंजीनियरिंग में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, कोई भी सेमेस्टर में है, तो उसे 10th और 12th दोनों का मार्कशीट है वो अपलोड करना होगा। अगर कोई पीजी कोर्स के लिए अपलोड करेगा तो उसे ग्रेजुएशन तक का मार्कशीट है वो अपलोड करना होगा। तो मार्कशीट आपको हर हाल में चाहिए होगा। जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड है। आधार कार्ड आपको अपलोड करना नहीं होता है, लेकिन आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए आपके पास आधार नंबर है वो होना चाहिए। स्कॉलरशिप भरते समय एक और जो ऑप्शन होता है लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट का। तो बता दें अगर कोई 12th का स्टूडेंट होगा वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने वाला होगा तो उसे लास्ट पासिंग ईयर एग्जाम में 10th का मार्कशीट है वो अपलोड करना होगा। उसी तरह से कोई ग्रेजुएशन का होगा अगर वो फर्स्ट ईयर में है तो उसे 12th का मार्कशीट है वो अपलोड करना होगा। अगर वो सेकेंड ईयर में चला गया है तो उसे फर्स्ट ईयर का मार्कशीट है वो अपलोड करना होगा। उसी तरह से कोई ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है तो उसे सेकेंड ईयर का मार्कशीट है वो अपलोड करना होगा। इंजीनियरिंग वाले के बारे में बात करें तो इंजीनियरिंग बात करेंगे अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर में है तो वो 12th का मार्कशीट है वो अपलोड कर देगा। तो कोई अगर मेडिकल में है, MBBS कर रहा है और वो फर्स्ट ईयर में है तो उसे 12th का मार्कशीट अपलोड कर देना चाहिए। उसी तरह से कोई अगर सेकेंड में चला गया है तो उसे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अगर अवेलेबल है तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है वो अपलोड कर दे, या फिर आप 12th का मार्कशीट है वो अपलोड कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई 3rd सेमेस्टर में है तो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट अपलोड कर देगा। कोई 5th सेमेस्टर में भी पढ़ रहा है तो वो 4th सेमेस्टर का रिजल्ट है वो अपलोड करेगा। अगर कोई 8th सेमेस्टर में पढ़ रहा है तो उसका अगर 7th सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है तो वो 7th सेमेस्टर का रिजल्ट है वो अपलोड कर देगा। यानी कहने का मतलब है कि आप जिस भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उससे 1 सेमेस्टर पहले का रिजल्ट है वो अपलोड कर सकते हो। तो उसके बाद आपके पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये दोनों वेरीफाई होता है तो आपके पास ये डिटेल होना चाहिए। इसके अलावा आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका एड्रेस सब है, वो सब की जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट में, बस आपको इतना ही देना होता है। तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।